हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब लोग कैसे हो? तो आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर स्पेशल बर्थडे स्टोरी कैसे लगाएं। आप भी अपने फ्रेंड या किसी भाई या किसी फैमिली की किसी का भी आप बर्थडे स्टोरी लगाते हो तो नॉर्मल लगा देते हो, मैं आज आपको स्पेशल प्रोफेशनल बर्थडे स्टोरी कैसे लगाएं मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। मैं स्टेप बाई स्टेप इस प्रोसेस को पूरा करके बताऊँगा। तो यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो आपको सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, आपको स्टोरी पर जाना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो आपको बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको सिर्फ ऐड फोटो करना है और आपको गिफ्ट लगाने हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया है। इसके बाद आपको स्टिकर पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर जिसका भी बर्थडे स्टोरी लगाना है तो उसको आपको फ़ोटो लगा लेना है, तो काफ़ी बेटर लगता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए अपना फ़ोटो यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है एक बार। तो आप देख सकते हो बर्ग में फ़ोटो आ चुका है। इसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना सिंपली इस तरह से। तो मेरा जो फ़ोटो है वो ऐड हो चुका है। तो आपको इतना जो ब्लैक पार्ट है इसमें आपको टेक्स्ट में लिख देना है, हैप्पी बर्थडे। तो आप देखो काफ़ी मस्त तरीके से मेरा ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपको स्टिकर पर जाना है, इसके बाद आपको सर्च करना है फ्रेम FRM। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आ चुके हैं। तो आपको कोई सा भी गिफ्ट रख लेना है, तो मैं ये वाला गिफ्ट रख लेता हूँ। ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसको डिलीट कर देते हैं, हम दूसरा लगाते हैं फ्रेम। तो मैं ये वाला फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से मेरा एडजस्ट हो चुका है फ्रेम। तो आपको इसके बाद आपको स्टिकर पर जाना है। यहाँ पर आप कोई भी गिफ्ट लगा सकते हो जैसे बर्थडे पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हैप्पी बर्थडे। इसके बाद आपको सर्च कर देना है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको गिफ्ट मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ बहुत सारे गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। तो हम ये वाला आपको टेस्ट लगा लेते हैं जो काफ़ी मस्त लग रहा है। इसके बाद आप कोई सा सॉन्ग लगाते हैं बर्थडे पर, तो आपको स्टिकर पर जाना है। इसके बाद आपको म्यूजिक पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर सॉन्ग आ चुके हैं, तो आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं एक सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद डन कर देता हूँ। इसके बाद आपको म्यूजिक को साइड में कर देना इस तरह से। इसके बाद देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से मेरी जो स्टोरी है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपको स्टिकर पर जाना है, आप किसी फ्रेंड या किसी का भी लगा सकते हो, तो आपको उसको मेंशन भी कर सकते हो। तो आपको मेंशन पर क्लिक करना है, उसके अकाउंट को आपको सर्च कर लेना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं किसी एक अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसको आपको नीचे की तरफ साइड की तरफ आपको इस तरह से छोटा कर लेना है, इस पर आपको टैप करना है, ये आपको कलर मस्त तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से इसको आप छोटा भी कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद मेरी जो स्टोरी है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपको फेवर पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको डन कर देना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से मेरी स्टोरी है वो क्रिएट होकर मैंने
ऐड कर दी है, स्टोरी लगा दी है। तो आपने देखा इसी तरह से आप भी अपने फ्रेंड या किसी का स्टोरी लगाकर प्रोफेशनल, तो आप काफ़ी आपका दोस्त है वो इम्प्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बैकग्राउंड सर्कल वाले भी दिए हैं, तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है और सर्कल वाले भी हो जाएंगे। तो हम बैक आते हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।